दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महबूब अली भटनौसा नौटंकी के मालिक जनाब मोहम्मद इदरीस भाई का मैं छोटा भाई। मेरा नाम महबूब अली है। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है महबूब अली भटनौसा चैनल, और हमारा एक सेकंड चैनल है मुमताज अली भटनौसा चैनल। हम दोनों चैनलों पर बराबर वीडियो डालते चले आते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे दोनों चैनलों को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों में शेयर भी करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालें दोनों चैनल पर वो आपको देखने को मिलता रहे। दोस्तों मैंने ये वीडियो दोबारा बनाना शुरू किया है, क्योंकि सुबह हमने इस वीडियो को डाला है, जैसे कि हम अपने चैनल के माध्यम से रोज़ाना अपने प्रोग्राम की जानकारी डाल देता हूँ वीडियो में दोस्तों को, दर्शकों को दिखाने के लिए। वैसे ही आज भी हमने सुबह प्रोग्राम की जानकारी वीडियो के माध्यम से दिया, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है उसमें, 4 अक्टूबर की जगह मैंने 4 सितंबर बोल दिया है। ये हम बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसीलिए हम जो है उस वीडियो को काट देते हैं और काट करके ये दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। हमारे कमेंट आया है इसलिए हम काट दे रहे हैं और दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है 4 अक्टूबर दिन मंगलवार सन 2022। हमारा आज का प्रोग्राम 4 अक्टूबर मतलब 10वां महीना सन 2022 दिन मंगलवार, और हमारा आज का प्रोग्राम है रायबरेली ज़िले में किलौली के पास रेलवे कोच, और रेलवे कोच के बगल में आईहार गांव है, और आईहार के बगल में तिवारी का पुरवा है। दोस्तों समझ लीजिए कि आज 4 अक्टूबर सन 2022 दिन मंगलवार, और हमारा प्रोग्राम रेलवे कोच के बगल में आईहार है, और आईहार के बगल में तिवारी का पुरवा है। आज हमारा प्रोग्राम तिवारी के पुरवा में होना है। अगर आपको प्रोग्राम देखना हो तो लालगंज की तरफ से आइएगा, आईहार रेलवे कोच के पास अगर किसी से जानकारी करेंगे कि आईहार कहाँ है, जब आईहार पहुँचोगे तो वही बगल में ही तिवारी का पुरवा है, आराम से प्रोग्राम पे पहुँच सकते हो और प्रोग्राम देख सकते हो। इसी तरह अगर रावली की तरफ से आना चाहते हो तो रावली की तरफ से सीधे किलौली रेलवे कोच, और फिर आईहार के बगल में तिवारी का पुरवा। तो ये रहा हमारा आज की जानकारी देने का वीडियो, जो मैं अपने दोनों चैनलों पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए हम दोबारा डाल रहे हैं। हम अपनी गलती को क्षमा चाहता हूँ, भूल हो गई है तो क्षमा कीजिएगा, और हम फिर से ये वीडियो डाल रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा जो मुमताज अली भटनौसा चैनल के नाम से चल रहा है। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें देते रहें। बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि जो भी हम नए नए वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।